नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल में दैत्य कुल में रंभासुर नामक एक दैत्य हुआ था। उसके पुत्र का नाम महर्षि था। उसमें भैंसे जैसी ताकत थी, मायावी था, इसलिए किसी भी जंगली जानवर का रूप बदलना जानता था। परंतु उसे भैंसे का रूप अति प्रिय था, इसलिए दैत्य कुल में उसे महर्षि न कहकर महिषासुर कहकर पुकारा जाता था। वह अत्यधिक अहंकारी और विलासी था, परंतु ब्रह्मा का परम प्रिय भक्त था। एक बार बरसों तक एक पेड़ पर खड़े होकर उसने ब्रह्मा की तपस्या की। वह हरदम ओम ब्रह्म देवाय नमः का जाप करता रहता था। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस संसार में जो जन्म लेता है उसको मृत्यु निश्चित है, तू कोई और वर मांग ले। इस पर महिषासुर ने कुछ सोचा और बोला, प्रभु फिर मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई पुरुष और जानवर मुझे न मार सके, भले ही मैं किसी स्त्री के हाथों मारा जाऊँ। महिषासुर ने सोचा था कि स्त्री कमजोर और कोमल होती है, वह उसे मार नहीं सकती। ब्रह्मा ने ततास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्रह्मा से महिषासुर को वरदान प्राप्त हो गया तो उसने मानव जाति पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। वह और उसकी आसुरी सेना पहले ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करती, फिर उनकी हत्या कर देती। स्त्रियों का अपहरण और उनका सतीत्व भंग करना आम बात हो गई। महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर सारी धरती त्राही त्राही करने लगी। इतना ही नहीं, महिषासुर ने एक दिन अहंकार से भरकर देवराज इंद्र की अलकापुरी पर भी चढ़ाई कर दी। देखते देखते दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे को मारने लगी। चारों तरफ रक्त की नदियां बह चली। भयानक मारकाट से त्रस्त होकर देवगण तिलमिला उठे, परंतु वे महिषासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हारकर वे वहां से भाग खड़े हुए। देवताओं के भाग जाने के बाद महिषासुर ने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया। महिषासुर ने अपने आप को इंद्र घोषित कर दिया और तीनों लोकों में ढोल पिटवा भी दिया कि अब से महिषासुर को ही देवताओं और असुरों का भगवान माना जाए और उसी की उपासना की जाए। जो नर तथा असुर ऐसा नहीं करेगा उसे सबके सामने मारा डाला जाएगा। महिषासुर की मुनादी सुनकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। महिषासुर ने अलकापुरी के अप्सराओं को अपनी सभा में राक्षसों के समक्ष नृत्य करने को कहा। उन्होंने जब ऐसा करने से मना किया तो मद में चूर महिषासुर ने उन पर अत्याचार किए। देवतागण भागे भागे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुँचे तथा अपनी विपदा दोहराने लगे। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने ही उन्हें समय की प्रतीक्षा करने और धैर्यपूर्वक शांत रहने के लिए कहा। देवताओं की व्यथा और महिषासुर के अत्याचारों की कथा सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश का हृदय व्यथित होने लगा। तत्काल तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों का आह्वान किया। त्रिदेव के शक्ति से निकलकर जो तेज प्रकट हुए वे तीनों मिलकर एक रूप हो गए और तब वहाँ एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह सिंह पर सवार भगवती दुर्गा थी। भगवान विष्णु ने उसे चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा ने विद्युत अस्त्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, सूर्य ने आग्नेय अस्त्र दिया, चंद्रमा ने चंद्रहास खड़क दिया और वायु ने उसे अपना वेग दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दुर्गा भगवती को दिए। इस प्रकार विविध अस्त्र शस्त्र से लेस होकर वहाँ महादेवी दशभुज दुर्गा के नाम से जानी गई। तब सभी देवगण भगवती दुर्गा की आराधना करने लगे और महिषासुर के अत्याचारों से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। देवी की हुंकार से दसों दिशाएं कांप उठी। आप दुखी न हो देवगण, मैं उस नीच राक्षस का वध करूंगी। तुम लोग तब तक इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करो और प्रतीक्षा करो। देवताओं को यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी शस्त्रों से युक्त होकर भगवती दुर्गा अलकापुरी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देवी और सिंह ने भयानक गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर महिषासुर का आसन डोल गया, धरती कांप उठी। राग रंग में डूबा हुआ महिषासुर क्रोधित हो उठा। उसने तत्काल अपने सेनापति को बुलाकर कहा, जाओ जाकर देखो कि यह कैसी गर्जना है। अलकापुरी के प्रमुख द्वार पर जाकर सेनापति और उसके साथ गए दैत्यों ने सिंह पर सवार भगवती दुर्गा को जब देखा तो वे अचरज में पड़ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन है। उत्तर मिला कि वह महिषासुर की काल है। भगवती ने असुर सेनापति से कहा कि जाओ और जाकर अपने स्वामी से कहो कि यदि वह अपनी भलाई चाहता है तो इंद्रासन छोड़कर भाग जाए, अन्यथा वह उसे नष्ट कर देगी। राक्षसों ने सभा में आकर जब महिषासुर को भगवती दुर्गा का संदेश दिया तो इंद्रासन पर बैठी महिषासुर क्रोध में भरकर उठ खड़ा हुआ।
और चिल्लाया, चलो मैं देखता हूँ उसे। महिषासुर देवतों की एक बड़ी सेना लेकर युद्ध भूमि में जा पहुँचा और भगवती दुर्गा को देखकर बोला, हे सुंदरी, यह हाथ शस्त्र उठाने के लिए नहीं है। मैं इंद्र हूँ, इंद्रासन का स्वामी हूँ, असुर राज महिषासुर हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह करके इंद्रासन पर बैठकर राज्य कर। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाने का वचन देता हूँ। महिषासुर की बात सुनकर भगवती दुर्गा का क्रोध फट पड़ा। देवी ने महिषासुर को ललकारा, नीच राक्षस, मैं तेरा काल बनकर तेरे सामने आई हूँ, संभाल मेरे वार को, कहकर देवी ने त्रिशूल से उस पर वार किया। महिषासुर वार को बचा गया और अट्टहास करने लगा। उसने अपने मुख से भयानक ज्वालाएं देवी की ओर फेंकी, परंतु वे देवी के पास पहुंचने से पहले ही आग के शोलों के रूप में राक्षस सेना पर ही गिरने लगी। राक्षस सेना बरसते अग्नि के गोलों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। सहसा महिषासुर ने एक खूंखार भैंसे का रूप धारण कर लिया और अपने पैरों से चट्टानों को उखाड़ता हुआ तथा नाक से ज्वालाएं बिखरता हुआ देवी दुर्गा की ओर झपटा। दूसरी ओर से दुर्गा का सिंह पंजा उठाकर उस पर गुर्राया। तभी देवी ने भैंसे रूपी महिषासुर को गर्दन पर त्रिशूल से जोरदार वार किया। महिषासुर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उसकी गर्दन से रक्त का फवारा फूट पड़ा। वह इतनी जोर से चिंघाड़ा कि समूची पृथ्वी दहल गई। राक्षस घबराकर भागने लगे। यह स्थिति थोड़ी देर तक ही रही। महिषासुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया और घायल भैंसे से बाहर आकर वह तलवार से देवी पर वार करने लगा। देवी ने भी अपने खड़ग से उसकी तलवार काट कर गिरा दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने राक्षस रूप को छोड़ दिया। सिंह का रूप बनाकर देवी के सिंह पर गुर्राने लगा। देवी ने उसे पकड़ने के लिए एक मंत्र सिद्ध पाश फेंका, लेकिन महिषासुर ने उस पाश से भी अपने को बचा लिया। वह फिर मनुष्य रूप में आकर देवी से कहने लगा, तेरी कोई माया, कोई शक्ति, कोई विद्या मुझे हानि नहीं पहुँचा सकती। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, ब्रह्मा का वरदान मुझे मिला है, कोई मुझे नहीं मार सकता। उसने देवी पर पूरी शक्ति से खाड़े से प्रहार किया। देवी दुर्गा ने दूसरे ही क्षण उसके खांडे के वार को बचने के लिए अपनी तलवार से उसका हाथ काट डाला। हाथ कटते ही महिषासुर ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और देवी पर सूंड उठाकर झपटा। देवी दुर्गा ने खड़क से उसकी सूंड पर प्रहार किया और उसकी सूंड काट डाली। सूंड कटते ही हाथी रूपी महिषासुर भयानक रूप से चिंघाड़ने लगा। कुछ देर तक वह इधर से उधर भागता रहा और सामने आने वाले को अपने पैरों के तले कुचलकर मारता रहा। देवी दुर्गा की सांसों से उत्पन्न होने वाली वीर योद्धा उस राक्षस के पैरों तले कुचले जाने लगे। बुरी तरह मारे जाने लगे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। इस पर देवी दुर्गा ने सिंह सहित उस मायावी राक्षस पर आक्रमण कर दिया और अपने त्रिशूल से हाथी के मस्तक पर वार किया। त्रिशूल के वार से हाथी पीछे की ओर गिर पड़ा। महिषासुर ने तत्काल हाथी का शरीर छोड़ दिया और अपने असली रूप में आकर भारी खड़ग उठाए देवी पर झपटा। उस राक्षस के विशाल शरीर के सामने देवी दुर्गा का शरीर छोटा पड़ रहा था। उस दृश्य को देखकर आकाश में स्थित देवगण चिंतित हो उठे, परंतु महाशक्तिशाली देवी दुर्गा उससे कब हार मानने वाली थी। देवी ने अपनी माया से अपना आकार उससे दुगना कर लिया। देवी का आकार देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। सहसा उसे याद आया कि उसने प्रजापति ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसका वध किसी स्त्री के द्वारा हो। फिर वह सोचने लगा कि कहीं यह स्त्री वही तो नहीं है। मृत्यु के भय से अथवा आपा खोकर पशु बुद्धि महिषासुर दुने वेग से देवी दुर्गा पर प्रहार करने लगा। वह अपने सभी मायावी शास्त्र को आजमाने लगा, लेकिन देवी दुर्गा ने उसके सभी शास्त्रों को काट डाला। महिषासुर को विवश होकर देवी दुर्गा ने ललकारा अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू व्यर्थ ही मेरे साथ हट कर रहा है। आज इस युद्ध भूमि से बच पाने के तेरे सभी प्रयास बेकार है। आज तेरा काल निश्चित है। देवी दुर्गा की बात सुनकर महिषासुर भयभीत हो गया, परंतु वह अपने भय को छिपाते हुए बोला, महिषासुर वीर है, वह किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैंने समस्त देवताओं को पराजित करके इंद्रलोक से निकाल बाहर किया है। जब वे सब मलकर भी मुझे नहीं कुछ बिगाड़ सके तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरा वध कर सके। नीच राक्षस, देवी दुर्गा ने उसे ललकारा, तू भूल गया कि तूने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था। मैं तुझे याद दिलाती हूँ, तूने कहा था कि अगर तेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। उस समय तूने सोचा कि नारी अबला होती है, कोमल और कमजोर होती है, वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन देख, आज उसी ब्रह्मदेव ने तेरे विनाश के लिए एक स्त्री को
यहाँ भेजा है, अब तू मरेगा, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। मेरा अभिभार्व ही तेरी मृत्यु के लिए हुआ है, उठा हथियार और मुझसे युद्ध कर। देवी दुर्गा की ललकार से महिषासुर डर गया, परंतु उसने अंतिम समय तक हार स्वीकार न करने की ठान ली। महिषासुर ने देवी दुर्गा पर भीषण प्रहार किया। एक बार फिर वह भयानक भैंसे के रूप में देवी की ओर झपटा। देवी ने अपने त्रिशूल से भैंसे का सिर काट दिया। फिर भैंसे के आधे शरीर से बाहर निकले महिषासुर के राक्षस रूप पर वार किया। त्रिशूल सीधे महिषासुर की गर्दन में धस कर आर पार हो गया। एक भयानक चित्कार के साथ महिषासुर कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके नीचे सैकड़ों राक्षस दबकर मर गए। महिषासुर के मरते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा प्रारंभ की। दुंदबिया बजने लगी। देवलोक में उत्सव मनाया गया। दीपमालाओं से देवलोक आलोकित हो गया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवराज इंद्र को फिर से इंद्रासन प्राप्त हो गया। कृतज्ञता से भरे इंद्र ने देवगणों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा, हे महादेवी जगदम्बे, जब जब देवताओं और प्राणी मात्र पर संकट आए, तब तब आप इसी प्रकार हम सब की रक्षा करो। देवी दुर्गा ने एवं मस्तु मतलब ऐसा ही होगा कहा और अंतर्ध्यान हो गई।